Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we will start the remaining part of physiology of GI system, anatomy and physiology of GI system, in which today we will start the accessory organs of GI system. तो जी आई सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स में मैंने आपको बताया था लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज, ये तीन ऑर्गन्स इसके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और इन तीनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे. तो आज हम इनमें से फर्स्ट ऑर्गन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लीवर. लीवर ग्रीक हिपैर वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब लीवर है. ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर पार्ट का अधिकतर भाग ऑक्यूपाई कर लेती है. ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट से मिलकर के बनी होती है और हमारे बहुत अलग अलग तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो हमारी बॉडी के होम्योस्टासिस यानी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी है, ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो लीवर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं. अब मेन फंक्शंस क्या हैं लीवर के? ये बाइल को सीक्रीट भी करता है और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, बाइल का सीक्रीशन और ग्लाइकोजन का स्टोरेज. दूसरा, ये सीरम प्रोटीन्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है. ये ब्लड को एंडोजिनस और एक्सोजिनस सबस्टांसेस से डिटॉक्सिफाई करता है, यानी प्योर करता है, टॉक्सिसिटी उसकी हटा देता है. जैसे अगर ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, अल्कोहल्स हैं, तो उन सब को रिमूव कर देगा. ये एंडोजिनस एक्सोजिनस सबस्टांसेस जो कि सर्कुलेशन में एंटर होते हैं, उनको, उन सबस्टांसेस से ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है. इसके अलावा हीमोपोएटिक सेल्स सभी तरह की जो है वो फीटल लाइफ में लीवर से ही बनती है, सभी तरह की, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ाया था ना मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर, कि थ्रोम्बोसाइट भी बना रहा होता है, आरबीसी भी बनाता है, एराइथ्रोपोइसिस वगैरह काम है. तो ओवरऑल बोल दे अपन, हीमोपोएटिक सेल्स ये बनाता है, यानी ब्लड की सेल्स बनाता है. अब लीवर का लोकेशन, लीवर पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर रहा है इस पार्ट को जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को कवर करता है, एपिगैस्ट्रियम के अपर पार्ट को कवर करता है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, जो लेफ्ट लेटरल लाइन का जो पार्ट है, यानी मिड क्लेविकुलर लाइन को भी कवर कर रहा है. तो इन सभी पार्ट को ये फुल ऑक्यूपाई करता है. इसके अलावा रिब केज में ये, इट एक्सटेंड्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये रिब केज के अंदर फिफ्थ रिब से एंटीरियरली, राइट साइड पर फिफ्थ रिब से एंटीरियरली तक जा रहा होता है, यानी राइट निपल के नीचे, और लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक ये पूरा फैला हुआ है. इसका शार्प इन्फीरियर बॉर्डर होता है जो कि मिड लाइन को क्रॉस करता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की लेवल तक, यानी L1 वर्टिब्रा तक इसका इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो क्रॉस करता है. डायग्राम में भी ये चीज़ दिखाई गई है, जो जो मैं बोल रही, देखो ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल मसल तक, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल मसल आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, निप्पल के नीचे दिखाई दे रहा है, फिफ्थ रिब के एंटीरियर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है. तो ये इस तरह से फैला हुआ, ये इसकी लोकेशन है. आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी या फंक्शन जो भी लीवर का आता है, तो ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है. एनाटॉमी आती है तो ये सब चीज़ें बतानी है, लोकेशन वगैरह आपको उसकी. अब इसकी शेप, साइज, कलर क्या होता है? तो लीवर वेज शेप का, मतलब तिकोनाकार जैसा होता है, जो कि फोर साइडेड पिरामिड के जैसा दिखाई दे रहा होता है. कहाँ पर होता है? लेड ऑन वन साइड विद इट्स बेस, इसका एक, इसका जो बेस का एक साइड है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इसका बेस साइड राइट में और एपेक्स इसका लेफ्ट साइड में होता है. इसका बेस राइट साइड में, एपेक्स इसका लेफ्ट साइड की तरफ पाया जाता है. फोर साइडेड ये पिरामिड जैसा दिखाई दे रहा होता है, वेज शेप का ये होता है. कलर रेड ब्राउन कलर का दिखाई देता है. वेट
मेल्स में तो 1.4 से 1.8 kg, जबकि फीमेल्स में थोड़ा छोटा यानी 1.2 से 1.4 kg का होता है, मतलब साइज़ जो वेट है इसका वो थोड़ा कम होता है, जबकि बच्चे में ये बॉडी वेट का 1/18 पार्ट कवर करता है और बर्थ के समय इसका वेट होता है 150 ग्राम। प्रोपोर्शनल वेट एडल्ट के अंदर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1/40 होता है, जबकि बच्चे में 1/18 था, जबकि बॉडी वेट एडल्ट के अकॉर्डिंग इसका 1/40 पार्ट आपके वेट का ये कवर करता है। फिर अगर आप इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखोगे तो मैंने कहा ना त्रिकोणाकार जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वेज शेप्ड का लिवर जो है उसमें 2 वेल डिफाइंड सरफेसेस और 1 वेल डिफाइंड बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। 2 सरफेसेस डायफ्रामेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। डायग्राम में देखिए भाई, विसरल सरफेस जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है और डायफ्रामेटिक सरफेस जो आपको लेटरल पार्ट में दिखाई दे रही है, जिसमें सुपीरियर एंटीरियर तो विसरल सरफेस है, सुपीरियर राइट लेटरल और पीछे की तरफ पोस्टियर सरफेस बताई गई है, ये डायफ्रामेटिक सरफेस है। और 1 वेल डिफाइंड बॉर्डर, इसका एक ही बॉर्डर है दैट इज इन्फीरियर बॉर्डर, ये वेल डिफाइंड इसका 1 बॉर्डर है दैट इज इन्फीरियर बॉर्डर। अब डायफ्रामेटिक सरफेस देखिए, डोम शेप्ड की डायफ्रामेटिक सरफेस में स्मूथ पेरिटोनियल एरियाज होते हैं जो सुपीरियरली दिखाई देता है, सुपीरियरली एंटीरियरली और राइट साइड में, सुपीरियर एंटीरियर और राइट साइड में स्मूथ पेरिटोनियल एरिया होता है डोम शेप का डायफ्रामेटिक सरफेस, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस को। रफ बेयर एरिया होता है इसमें, एक पेरिटोनियम के बिना है वो, इसलिए वो रफ एरिया है, पेरिटोनियम होता तो स्मूथ होती, वो पेरिटोनियम के बिना इसलिए वो रफ बेयर एरिया है जो कि पोस्टीरियर रीजन में होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इसमें इन्फीरियर वेना कैवा, इसमें लेफ्ट पार्ट जो बेयर एरिया के लेफ्ट पार्ट के डीप सल्कस में एम्बेडेड रहती है इसमें इन्फीरियर वेना कैवा। मोस्ट केसेस में ये जो सल्कस है ये फाइब्रस टिश्यू से ऊपर की तरफ कवर रह रही होती है। इन्फीरियर वेना कैवा आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये ब्लू सी देखिए IVC लिखा हुआ है, ये इन्फीरियर वेना कैवा है। तो इसमें हमने कहा इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो बेयर एरिया के लेफ्ट पार्ट के डीप सल्कस में एम्बेडेड रहती है। मोस्ट केसेस जो सल्कस का है उसके रूफ यानी उसकी छत पर फाइब्रस टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसको अपन IVC का लिगामेंट कहते हैं, जिसमें हिपैटिक टिश्यू होते हैं जो कि सल्कस को टनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, गुफा जैसी दिखाई देती है, सल्कस को टनल में कन्वर्ट करते हैं। इसका पेरिटोनियल लिगामेंट, कोरोनरी लेफ्ट और राइट ट्रायंगुलर और फैल्सिपैरम लिगामेंट होता है। पेरिटोनियल लिगामेंट तो कोरोनरी, जबकि राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर और फैल्सिपैरम लिगामेंट ये सारे के सारे इसमें पाए जा रहे होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो नॉच फॉर लिगामेंटम टेरस हिपैटिस डायग्राम में लिखा हुआ है, ये डायग्राम इसके लिगामेंट के लिए नॉच बताई गई है। अब इसकी विसरल सरफेस ये देखिए, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन लीवर की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, अपन ने लीवर स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में ऑब्वियस अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो लीवर की सरफेसेस कैसी कैसी हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। विसरल सरफेस जो इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है ये रिलेटिवली फ्लैट और कॉनकेव शेप की होती है, दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, इसकी इन्फीरियर सरफेस कैसी है, कॉनकेव। और कहाँ पे है, डाउनवर्ड है, बैकवर्ड है और लेफ्ट साइड में है, डाउनवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट साइड में। ये फ्रंट से सेपरेटेड रहती है डायफ्रामेटिक सरफेस, इट इज़ सेपरेटेड इन फ्रंट फ्रॉम द डायफ्रामेटिक सरफेस बाय द शार्प इन्फीरियर बॉर्डर। शार्प इन्फीरियर बॉर्डर के द्वारा ये डायफ्रामेटिक सरफेस से फ्रंट में सेपरेटेड रहती है और डायफ्राम के पीछे पोस्ट कोरोनरी लिगामेंट की पोस्टर लेयर के द्वारा ये सेपरेटेड रहती है। इसमें इसकी विसरल सरफेस पर कुछ नोटेबल फीचर्स होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का फॉसा दिखाई देता है। दूसरा ये गॉल ब्लैडर देखो डायग्राम है के अंदर आपको दिखाई दे रही है, तो गॉल ब्लैडर का फॉसा इसमें दिखेगा। लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस का फिशर दिखाई देगा आपको, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस का फिशर आपको दिखाई देगा, ये नीचे है, सॉरी आपको नीचे डायग्राम में फिशर दिखाई दे रहा है टेरिस हिपैटिस वाला। फिर
पोर्टा हिपैटिस इसमें आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट इसमें विसरल जो सरफेस है, ये तो नोटेबल फीचर्स है, पोर्टा हिपैटिस आपको दिखाई दे रही होती है, ये जो ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन एंड हिपैटिस आर्टरीज दिखाई दे रही है, पोर्टा हिपैटिस आपको दिखाई दे रही है, लिगामेंट टेरिस हिपैटिस का फिशर दिखाई दे रहा है, जो नीचे डायग्राम में बताया गया गॉल ब्लैडर का फॉसा इसके अंदर दिखाई देता है आपको। अब विसरल सरफेस जो है वो पेरिटोनियम द्वारा कवर रहती है, केवल गॉल ब्लैडर के फॉसा पर और पोर्टा हिपैटिस के पार्ट पर क्या होता है, इस पर पेरिटोनियम नहीं पाई जाती, बाकी पूरी पेरिटोनियम से ये कवर रहती है विसरल सरफेस। ये डायग्राम भाई आपके लिवर की अच्छी सी रियल पिक्चर, इसको लेबल करिए, ये आपका होमवर्क है, ये असाइनमेंट है भाई, लेबल करिए इस चीज़ को, ये क्या क्या है, क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, और अपने हाथों से बनाइए और मेरे को मेल करिए। बस तो ये आपके काफ़ी हद तक लीवर की एनाटॉमी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। पढ़िए, याद करिए, समझने की कोशिश करिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।